आप देख रहे हैं गुरुकुल अकादमी का आर्ट एग्जीबिशन। आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों को प्रकृति के साथ जुड़े रखता है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टेट वर्कशॉप, जो कि हमारे गुरुकुल अकादमी के नन्हे आर्टिस्टों द्वारा तैयार पिछले एक महीने के लगातार मेहनत का नतीजा है। प्रकृति में तरह तरह के रंग बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं बिखरे हुए रंगों को समेट कर एक नए रूप में पेश करना ही हमारा मकसद है। ये हमारी रंगों की एक नई दुनिया है। अब आप देख रहे हैं कुछ मेरे पिक्चर जो कि मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, फाइन आर्ट्स विथ वाटर कलर। इसमें अच्छे खासे वॉश का उपयोग किया गया है। ये पिक्चर आपको मोनोक्रॉम पेंटिंग की याद दिलाएगा, जिसमें सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल करके इसको अच्छा रूप दिया गया है। दिस इज अ मोनोक्रॉम पेंटिंग विथ लाइट एंड शेड फिनिशिंग। ये हमारे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता के पिक्चर है, ऋतिक रोशन विथ लाइट एंड शेड, जो कि एक बहुत ही कलरफुल मोड में ये पिक्चर है। ये पिक्चर है मोनोक्रॉम पेंटिंग ऑफ अ सिंपल लेडी। इसको बनाने में मुझे 2 दिन लग गए थे। इसमें भी काफ़ी लाइट एंड शेड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत का काम है। और ये पिक्चर है जीसस क्राइस्ट को जब इनको मृत्यु दी गई थी। ये एक मोनोक्रॉम पेंटिंग है सिर्फ ब्राउन कलर में, जिसमें उस दर्दनाक सीन को दर्शाया गया है। अब ये रहा आपके सामने अमेरिका का स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन मोनोक्रॉम मोड। इसको सिर्फ ग्रीन कलर में बना दर्शाया गया है, और इसके बैकग्राउंड में काफ़ी लाइट एंड शैडो का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सिर्फ फाइन आर्ट्स के पिक्चर है। और ये रहा मेरा सबसे स्पेशल पिक्चर मदर्स डे के ऊपर, एक माँ और उसके बच्चे के प्यार को इसमें दर्शाया गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। मदर्स डे एक बहुत ही स्पेशल डे माना जाता है, जिसमें माँ और बच्चे का प्यार बहुत ही एक दूसरे के लिए ज़्यादा होता है। और ये हमारी आर्ट की दुनिया सबसे स्पेशल दुनिया है। अब आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट की जब मृत्यु हो गई थी, तब उनकी माँ ने उनको अपनी गोद में लिया था। ये पेंसिल शेडिंग द्वारा बनाया हुआ ये पिक्चर है। इसमें बहुत मेहनत का जरूरत पड़ा है। ये मेरी बहुत सबसे पहले की पिक्चर रही है, और ये सब मैंने पिक्चर 1 साल के दरमियान तैयार किया है। अब देखते हैं, चलते हैं कुछ हमारे गुरुकुल अकादमी के नन्हे आर्टिस्टों की दुनिया में, कलरफुल दुनिया में। ये है जोकर का पिक्चर। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लेबर बाय आदित्य कुमार, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में लेबर को दर्शाया है। इट इज़ अ बर्ड सॉन्ग बाय सीमन साव, चिड़ियों की दुनिया को इन्होंने क्यूट रूप में दर्शाया है, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में कमाल दिखा है। और ये हमारे गुरुकुल अकादमी के सीनियर स्टूडेंट, सेकेंड सीनियर स्टूडेंट मोहित सिंह का पिक्चर, बैक टू द फॉरेस्ट। एक और था मैं बकरी, और ये पिक्चर है सेंटा क्लॉज मॉडल क्रिसमस, माय फेवरेट बाय हर्ष साव, निधि शर्मा के द्वारा तैयार किया गया हुआ द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस पिक्चर में इन्होंने सूर्य का इफेक्ट काफ़ी अच्छे रूप में दिखाया और बहुत ही मेहनत किया हुआ है। द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय निधि शर्मा। अब आपके सामने है 15 अगस्त की आज़ादी बाई उत्कर्ष गुप्ता। उत्कर्ष गुप्ता ने बहुत ही मेहनत के साथ और दिमाग के साथ इस पिक्चर को फिनिशिंग किया है। इसमें आज़ादी के सेलिब्रेशन को आपको दर्शाया गया है। ये पिक्चर है ऋतिका साव द्वारा बनाया हुआ माई ड्रीम, जिन्होंने उन इस पिक्चर में अपने ड्रीम को सजाया है। ये तमन्ना साव का ये पिक्चर मछली जल की रानी है, एक्वेरियम में मछली को दर्शाते हुए। कोना दास द्वारा बनाया हुआ द चू बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही मेहनत की इन्होंने, क्लास में बहुत दिन पहले से मेहनत करते थे इस पिक्चर को फिनिशिंग देने के लिए, काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड दिस इज स्प्रे पेंटिंग इफेक्ट बाय रिया साहनी के द्वारा बनाया हुआ ये स्प्रे पेंटिंग इफेक्ट, मोस्ट कलरफुल पिक्चर। और आदित्य कुमार है निकिता साव द्वारा बनाया हुआ ये पेपर कटिंग, निधि शर्मा के द्वारा पेपर कटिंग सीनरी मेट्रोपॉलिटन सिटी का, काफ़ी मेहनत किया इसमें भी उन्होंने। और ये सिमरन सिंह द्वारा बनाया हुआ दी फ्लड, जिसमें बाण का सीन आपके सामने दर्शाया गया है। अब कुछ एनिमेशन की दुनिया में चलते हैं। देवजीत मिश्रा द्वारा बनाया हुआ ये एनिमेशन पेंटिंग, और दिस इज अ फेस स्टडी, जिसमें फेस के तरह तरह के एक्सप्रेशन और तरह तरह के एंगल को दर्शाया गया है। आशीष साव ने इसको अपने हाथों से अंजाम दिया है। और ये अफ्ताब आलम द्वारा बनाए गए चाचा नेहरू, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही कड़ी पेंसिल से एडिट किया, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये सबसे स्पेशल पेंटिंग जिसे विशाल राजभर ने अंजाम दी है, तो क्या बात है, पूछो मत, सबसे बढ़िया पिक्चर आज तक का। ये पिक्चर है स्टिल लाइफ विद पेंसिल शेड बाय देवजीत मिश्रा।
इसमें लाइट एंड शैडो का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। यह पिक्चर विशाल राजभर द्वारा फिगर स्टडी, जिसमें फिगर के तरह तरह के एंगल को दर्शाए गए हैं। बरसात में बाइक अर्पिता साहब काफ़ी कलरफुल पिक्चर है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी बरसात हो रही। छतरी खोल लो भाई, मेरी प्यारी बिल्ली बैरिया साहब। और ये सीन एक स्टोरी का सीन है जो रिकी नंदी के द्वारा बनाया हुआ है, श्वेता प्रसाद के द्वारा बनाया हुआ ये भारत माता। इसमें उन्होंने काफ़ी पेंसिल से कलरफुल इसे काफ़ी कलरफुल बनाया है और इसमें लाइट एंड शैडो का इफेक्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। भारत माता भाई श्वेता प्रसाद। इसी के साथ साथ समाप्ति, नमस्कार, लौटते हैं ब्रेक के बाद।